হ্যালো 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 আচ্ছা শুরু করব। স্বাগত হ্যাঁ ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটি কে অফিস মে। সবকো পতা হ্যাঁ 2019 কা বিগুল বাজ চুকা হ্যাঁ, লোকসভা কা চুনাও আ গিয়া হ্যাঁ, দার্জিলিং জো হ্যাঁ সেকেন্ড ফেজ মে হ্যাঁ। দার্জিলিং কো লেকে বহুত রাজনীতি হতি হ্যাঁ, বহুত পলিটিক্স হতি হ্যাঁ। আজ মুঝে বহুত দুঃখ কে সাথ সূচিত করনা পড় রহা হ্যাঁ কি জিস তরিকে সে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা কে লোক, চাহে মনজিত সিং জি হো, উন লোগোঁ নে পাহাড় কি অস্মিতা কো বেচনে কা কাম কিয়া। জিস পাহাড় কে লিয়ে ইতনা বড়া আন্দোলন চলা, গোর্খা মুক্তি মোর্চা নে চলায়া, জেএনএলএফ নে চলায়া, কংগ্রেস হমেশা সে উনকে আন্দোলন কো উনকি ভাবনাও কো সমঝতি রহি, আর সময় সময় পে চাহে রাজীব জি প্রধানমন্ত্রী রহে হো, চাহে নরসিমহা রাও জি রহে হো, ডক্টর মনমোহন সিং কে সময় মে জো ভি পাহাড় কে লিয়ে গোর্খা ভাই ও বহনো কে লিয়ে কংগ্রেস কর সকতি থি উসনে কিয়া হ্যায়। চাহে জিটিএ কি বাত হো, চাহে নেপালি ভাষা কি বাত হো, এক সমাধান और एक परमानेंट सॉल्यूशन की बात अगर कोई करती है कोई राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस पार्टी। लेकिन जिस तरीके से बिमल गुरुंग उनकी कंपनी और मनजीत सिंह ने पिछले 10 सालों से दार्जिलिंग के लोगों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उसका सौदा किया है, कभी बाड़मेर मुझे नहीं पता आप लोग गए कि नहीं गए, क्योंकि मैं काम करता हूँ इसलिए मुझे बाड़मेर जाने का अवसर मिला। राजस्थान का आखिरी छोर पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ से कैंडिडेट आते हैं, कभी अहलुवालिया जी को ले आते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि कोई उन्हें लोकल उम्मीदवार नहीं मिला इतने दिनों में, उनके इतने बड़े आंदोलन के बावजूद? इस बार का जो उम्मीदवार है वो मणिपुर से ले आए, वो भी कोई बिजनेसमैन, कोई आंदोलनकारी नहीं। समय समय पे उन्हें मदद सबसे चाहिए, चाहे बिमल गुरुंग हो, चाहे रोशन गिरी हो। मदद के लिए वो शंकर मालाकार जी को पकड़ेंगे कि आप उनकी मदद करो, गोरखा भाइयों बहनों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मालाकार जी के पास आएंगे। उस समय गृहमंत्री रहे चिदम्बरम साहब ने काफ़ी इंटरफेयर किया, वहाँ की प्रॉब्लम को उन्होंने समझा और एक ऐसा सॉल्यूशन देने की उन्होंने बात कही कि जिससे पहाड़ के लोगों के साथ न्याय हो सके।